हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा। तो भाई गर्मी का समय है, ऐसे में ना आप वाटर पार्क तलाशते हैं कि बढ़िया सा वाटर पार्क जाते हैं भाई, मजे करके आते हैं। लेकिन इस समय मानसून भी शुरू हो चुका है, मतलब बीच बीच में बारिश भी हो जाती है, तो ऐसे में वाटर पार्क आप जाना पसंद नहीं करते, सोचते हो भाई बारिश तो अब आ ही रही है। तो मैं आपको ना बढ़िया सी जगह एक लेकर आ चुका हूँ, मतलब इस समय पर आप जहाँ के मजे कर सकते हो, जहाँ पर मतलब आपको स्लाइड्स वगैरह मिलने वाली है कई, मतलब पानी की स्लाइड, तो वो सब भी दिखाऊंगा चल के। अभी मैं आया हूँ माधवगढ़ फार्म के अंदर, जो कि भाई गुड़गांव में रहने वाला है, दिल्ली एनसीआर का सबसे बढ़िया फार्म में से एक फार्म ये रहने वाला है। यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो, मतलब मजे कर सकते हो, अगर आप कपल्स हो, अगर आप फैमिली से हो, अगर आप फ्रेंड हो, मजे आओ, मजे कर सकते हो। यहाँ पे आगे काफ़ी सारी एक्टिविटीज, साथ ही में भाई खाना मिलता है, बढ़िया टेस्टी खाना मिलता है, मतलब काफ़ी स्नैक्स मिलते हैं, रात में जो है डिनर वगैरह मिलता है। तो यहाँ पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या एक्टिविटी मिलती है, खाने में क्या क्या मिलता है, सब कुछ दिखाऊंगा। साथ ही मैं यहाँ की पूरी जानकारी दे देता हूँ पहले कि यहाँ की टिकट क्या रहने वाली है, टाइमिंग क्या रहने वाली, गुड़गांव में कहाँ है ये जगह, कैसे आप यहाँ तक आ सकते हो, सारी जानकारी दे देता हूँ, फिर अंदर चलेंगे। एक बात और बता देता हूँ, इस जगह का नाम मतलब है माधवगढ़ फार्म। माधव तो हमारे कृष्ण जी को बोलते हैं, तो वही प्रेरित होकर यहाँ का जो नाम है माधवगढ़ रखा है। तो आइए सारी जानकारी आके ले लेते हैं। तो दोस्तों ये आप सामने देख रहे हो माधवगढ़ फार्म है यहाँ पर, तो चलेंगे अंदर, पहले यहाँ की लोकेशन बता देता हूँ। तो ये आप जो देख रहे हो ना, ये एक गांव के अंदर है माधवगढ़ फार्म जो है, जिस गांव का नाम है टिकली, तो टिकली विलेज के अंदर ये रहने वाला है। यहाँ आगे आप जाओगे तो बादशाहपुर है, तो बादशाहपुर के पास है टिकली गाँव गुड़गांव के अंदर, वहीं पर ही ये जो है माधवगढ़ फार्म है। वहाँ पे देखो सामने पहाड़े आपको दिखाई दे रही होंगी, तो ये जो पहाड़ है ना अरावली हिल्स हैं ये। बाकी यहाँ देखो बस स्टैंड भी बनाया है इन्होंने, ये आप देख रहे हो ना बस नंबर लिखा है 213। गुड़गांव में से अगर आप बस के द्वारा यहाँ पे आना चाहते हो ना, तो बस नंबर 213 यहीं से निकलता है, मतलब वहाँ से आती है बादशाहपुर रोड से होते हुए, ये पूरा टिकली गांव से होते हुए 213 बस नंबर यहाँ से निकलता है देखो। और भाई अगर यहाँ पे मेट्रो से आने की सोच रहे हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मेट्रो से ना आके अपनी गाड़ी वगैरह से ही आप आओ। और फिर भी बता देता हूँ यहाँ का जो सबसे करीब मेट्रो स्टेशन है गुड़गांव का, सेक्टर 55-56 रहने वाला है, तो वहाँ से आप आ सकते हो मेट्रो तक, उसके बाद आप अपना शेयरिंग ऑटो वगैरह करके यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। बाकी पार्किंग की बात करें तो ये पूरा एरिया पार्किंग का यहाँ रहने वाला है। ये देखो अपनी गाड़ी से आप आ रहे हो, वहाँ गाड़ी लगा दो, यहाँ कहीं भी गाड़ी लगा दो, हमने तो भाई वहाँ लगा दी अपनी गाड़ी। तो आइए अंदर चल के और चीज़ें बताते हैं। ये देखो बड़ा सा बोर्ड लगाया है जिसके ऊपर सारी एक्टिविटी वगैरह इन्होंने दिखाई हुई है, इस तरीके से पूरा एंट्री गेट है यहाँ पे, एलिफेंट के देखो ये फेस लगाए हुए हैं। आइए अंदर चल के टिकट वगैरह बताते हैं, यहाँ की टाइमिंग बताते हैं, और यहाँ पे जो स्वागत है ना बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, वो भी दिखाऊंगा चल के। ये देखो भाई यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ माधवगढ़ फार्म के बारे में। यहाँ देखो ऑर्गेनिक वेजिटेबल से सारा फूड तैयार किया जाता है। 70+ यहाँ पे एक्टिविटी मिलने वाली है, 40+ यहाँ पे आपको जो है फूड का ऑप्शन मिलने वाला है बफेट, ठीक है। वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड ग्रीनरी, मतलब अंदर काफ़ी आपको वैरायटी मिलने वाली है ट्रीज वगैरह की, ग्रीनरी की। दोस्तों टिकट प्राइस और टाइमिंग बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर दो आउटिंग रहने वाली है, मतलब एक आप दिन में भी आ सकते हो, एक आप शाम को भी आ सकते हो। अगर आप दिन में आने चाहते हो ना, तो उसको बोलेंगे डे आउटिंग, जिसकी टाइमिंग रहने वाली है भाई आपकी 10 से शाम को 5 बजे तक। इवनिंग आउटिंग में अगर आप आना चाहते हो, तो वो रहने वाला है आपका 4 से रात को 10 बजे तक। तो जिसके अंदर मतलब अगर आप सुबह आते हो तो ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह मिलेगा, शाम को आप आते हो तो स्नैक्स मिलेगा, लंच मिलेगा, ठीक है। एक्टिविटी तो भाई दोनों में ही बराबर मिलेगी, ठीक है, मतलब इस तरीके से रहने वाला है। और टिकट प्राइस की बात कर लेते हैं, तो टिकट यहाँ पर जो है एडल्ट का रहने वाला है 1250 रुपये, 1250, यानी कि बच्चों का जिनकी जो हाइट है 2.5 फीट से लेकर 4 फीट तक है, उनके रहने वाले 650 रुपये। जिन बच्चों की हाइट 2.5 फीट से नीचे है, वो फ्री रहेगा। तो ये कुछ यहाँ का टिकट और टाइमिंग रहने वाली है। आइए अब अंदर चलते, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डीएम करके पूछ सकते हो। चैनल पर आए हो पहली बार, सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। आइए अंदर चल के दिखाता हूँ अब। दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे थे माधवगढ़ फार्म जाने का, या फिर आप जाना चाह रहे हो, तो भाई आपने देख लिया टिकट प्राइस है 1250 रुपये की, 1250 रुपये की। लेकिन आपको एक कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, जो कंपनी आपको ऑफर दे रही है वो आपको टिकट दिलवा देगी भाई 699 रुपये में, 699 में, और भाई सारी एक्टिविटी आपको मिलेगी जो कि 1250 में आपको मिलने वाली है। सारा खाना मिलेगा, लंच की बात करो, डिनर की बात करो, स्नैक्स की बात करो, ब्रेकफास्ट की बात करो, सब कुछ मिलेगा उस 699 में। फिर चाहे आप सुबह को जाओ, चाहे शाम को जाओ, कभी भी जाओ, सब कुछ मिलेगा। और DRS के बारे में बता देता हूँ भाई, DRS भाई सिर्फ माधव गली नहीं, और भी कई फार्म्स हैं ऐसे जिसकी टिकट सस्ते में आपको दिलवा देती है, तो वो आप जाके इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वाटर पार्क है कई ऐसे जिनकी टिकट सस्ते में दिलवा देती है, कई एडवेंचर पार्क है जिनकी टिकट सस्ते में दिलवा देती है ये कंपनी, तो भाई आप जाके चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है इनकी मैंने वेबसाइट का, जाके देख सकते हो, इनके इंस्टाग्राम पर भी चेक कर सकते हो, और बिल्कुल भरोसे वाली कंपनी है भाई। मैं बहुत बार इस कंपनी से टिकट लेके गया हूँ, तो आप भी जा सकते हो। तो अंदर आप आते हो ना, इस तरीके से आपको दिखाई देगा, एक कार भी यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है, ये देखो किस तरीके से रहने वाला है। यहाँ फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं आप, इसलिए बनाया हुआ है। बाकी देखो हाइट वगैरह मेजर के लिए यहाँ ये स्केल लगाया है इन्होंने, कि बच्चा कौन है, छोटे बच्चे में कौन है, मतलब हाइट वगैरह के लिए पूरा लगा है। यहाँ देखो यहाँ भी फोटो क्लिक कर सकते हो, माधवगढ़ अरावली, यहाँ देखो यहाँ फोटो क्लिक कर सकते हो, तो फोटो बाद में क्लिक करेंगे। आइए अंदर चल के दिखाते हैं आपको। तो हिमांशु भाई यहीं पर ही क्यों आए घूमने के लिए?
भाई यहाँ पे गए टिकट प्राइस के साथ साथ ना एक्टिविटीज भी अनलिमिटेड मिलती है, जितने मर्जी चाहे जितनी मर्जी करो, जितनी बार करो। अच्छा, जिप लाइन करने के लिए मिलेगा, स्विमिंग पूल भी है, बहुत सारी चीजें भी है भाई, कितनी बार भी करो। और साथ ही साथ आपको खाना भी अनलिमिटेड मिलने वाला है, मतलब पेट पूजा भी करो और राइड्स भी इंजॉय करो अनलिमिटेड। तो भाई बता रहे हैं मतलब जो भी एक्टिविटी है ना जितना मन करे उतना कर सकते हो आप, ये नहीं है कि एक बार करनी है दो बार करनी, जितना मन करे उतना, खाना भी जितना मर्जी खा सकते हैं। हाँ भाई जितनी बार खाओ कोई नहीं रोकेगा यहाँ पे, मतलब पेट फुला लो पूरा, पेट फुला ये बढ़िया भाई, एक ही दिन में मोटे हो जाओ। अरे ये कुछ गेस्ट वगैरह चल रहे हैं हमारे आगे, आइए वो दिखाते हैं मतलब किस तरीके से स्वागत करा जाता है यहाँ पर। दोस्तों हम चल रहे हैं माधवगढ़ फार्म के अंदर, यहाँ पे भाई जो एंट्री होती है ना काफी बढ़िया तरीके से वेलकम किया जाता है उसमें, तो आइए चल के दिखाते हैं। देखो काफी गेस्ट आए हुए हैं, तरीके से यहाँ पे तो गाड़ी वगैरह लगाई हुई है, बुलेट वगैरह है या स्कूटी स्कूटी ये सब है, इस तरीके से पूरा लगाया फोटो क्लिक करने के लिए। आइए अंदर चलते हैं, सामने देखो इस तरीके से पेंटिंग्स हैं, और ये देखो पुराने टाइम की मतलब चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई हैं, मूर्ति वगैरह लगाई हुई हैं, जय गणेश भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की। ये देखो टेलीफोन जो होता था ना पहले, टों 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 टों, वो है यहाँ पर। और भी कई चीज़, ये क्या है भाई, रेडियो लिखा है शायद, ये रेडियो पता नहीं क्या है, जो भी हो आइए अंदर चलते हैं भाई। सामने देखो अंकल खड़े हैं, अंकल है कौन है ये, अरे ये तो मूर्ति है, ये देखो। आइए चलते हैं, तो बता रहे हैं भाई इस साइड जाना है, तो आइए इस साइड चलते हैं। क्या है यहाँ पर, क्या है, साइकिल, अरे वाह इतनी बड़ी साइकिल लगा दी यहाँ पे। देखो डांस वगैरह चल रहा है उधर, मेरे को भूख लग रही है, पहले खा लेंगे कुछ। ये देखो बढ़िया से कूलर लगा है एसी की हवा में, सॉरी एसी की नहीं कूलर की हवा में, मजे लो, मजा आ रहा है भाई। यहाँ पे डाइनिंग हॉल है, तो वहाँ टाइमिंग लिखी है, ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच का टाइम और डिनर का टाइम। तो आइए चल के ना ये स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं, वो देखो लगा पड़ा है यहाँ पे स्नैक्स सारे, जो लोग यहाँ भी खा रहे थे ना वहाँ सारे इंजॉय करने चले गए, हम भी खा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चाय मिलती है, चाय के बाद देखते हैं क्या मिलने वाला है। ये क्या भाई, दही बल्ले मिल रहे हैं यहाँ पर हमें, अरे बाप भाई दही बल्ले खाएंगे आज तो। और देखते हैं और क्या है, ये क्या, नूडल्स हैं यहाँ पर। और देखते हैं आगे, ये आपका पकोड़े वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और बढ़ते हैं आगे, ये देखो भाई ये तो नमक पारे और जलेबी है, क्या शकर पारे, तो शकर पारे बता रहे भैया। खाना कितने बजे लगेगा, साढ़े सात बजे, तो साढ़े सात बजे बता रहे हैं, वहाँ बोर्ड पर भी साढ़े सात ही लिखा था। बाकी ये क्या है, ये है तुम्हारा जीरा पानी और ये है मीठा पानी, अच्छा अच्छा गोलगप्पे हैं यहाँ पे, ये देखो। तो पहले खा लेते हैं भाई, उसके बाद आगे एक्टिविटी दिखाएंगे आपको। तो भाई यहाँ पे गोलगप्पे है, सबसे पहले गोलगप्पे ट्राई करते हैं, देखते हैं भाई गोलगप्पे मजा आएगा कि नहीं आएगा। तो भी मैंने खट्टे वाले पानी का खाया था, काफी बढ़िया था, मीठे का खाते कैसा लगा? अच्छा बहुत बढ़िया है गोलगप्पे, सच में सीरियसली अच्छे वो भी खा के देखेंगे वो कैसा है। तो भाई वहाँ सारे स्नैक्स लगा हुआ, इस साइड आपको गोलगप्पे मिल जाते हैं, गोलगप्पे बता दिए तरुण भाई ने कितने टेस्टी रहे हैं वाले, खाओ गोलगप्पे बताओ। वो खाते हैं, चलो भाई चलो। तो भाई पकौड़े वगैरह हमने फिलहाल ले लिए हैं, तो ये खाते भाई, ज्यादा गर्म है, तो गरम है बिल्कुल, है ना, गरम आया है बिल्कुल भाई, सब एकदम खोल रहे हैं। हाँ तो भाई खा लेते पकौड़े, ये आगे अपने पकौड़े वगैरह यहाँ पे, ये अपने फिंगर फ्रेंच फ्राइज, ये अपने कबाब वाले जो होते हैं, ये अपने पालक के पकोड़े, ये अपनी हरी चटनी। बढ़िया है भाई, काफी बढ़िया पकोड़े हैं। अब मैं जा रहा हूँ दही बल्ले लेने के लिए, दही बल्ले भी मेरे को लग रहा है बढ़िया होने वाले हैं, पकोड़े तो बहुत बढ़िया थे, फ्रेंच फ्राई ज्यादा अच्छे लगे मुझे। तो भाई ये अपने यहाँ पे दही बल्ले कर लेते हैं भाई अपनी प्लेट में नहीं डिस्पोजल में, ये लो भाई कर लिए। हिमांशु भाई जलेबी खा रहे, जलेबी कैसी है, अरे मस्त गरम गरम, झूठ बोल रहे हो ना, अरे सच में तो भाई जलेबी बता रहे, जलेबी बढ़िया है, पहले मैं ये खा लेता उसके बाद वो खाऊंगा।
यार पेट तो खराब नहीं हो जाएगा इतना कुछ एक साथ। दोस्तों स्नैक्स में तो काफी ज्यादा मजा आ गया, अब 7:30 बजे आके खाना खाएंगे, लेकिन अब बीच का जो ये टाइम है इसमें कर लेते हैं एक्टिविटीज, देखते हैं एक्टिविटी क्या क्या है यहाँ पर। अब अगर ये सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी करें, जिपलाइन करते हैं, तो भाई जिपलाइन कह रहे हैं मानसू भाई सबसे पहले, ये तो वो है मतलब क्लाइंबिंग करने के लिए, तो दोनों हो जाएगा ना जिपलाइन। हाँ यहाँ से देखो जाएंगे ऊपर जिपलाइन में, या तो स्टेयर से चले जाओ या फिर यहाँ से चले जाओ। हाँ बेल्ट वगैरह वो हार्नेस वगैरह पहन लेते हैं पहले फिर चलेंगे। ये देखो मैम सामने से आ रही है ना, ये जिपलाइन करने जा रही हैं, तो हम भी चलेंगे अभी, हार्नेस वगैरह पहन लेते हैं चल के। अभी ये आप देख रहे हो यहाँ पे रॉप कोर्स है, यहाँ पे मतलब काफ़ी मेहनत लगती है इसको करने में, मज़ा भी आ जाता है वैसे तो, बच्चे कर रहे हैं देखो यहाँ पे 2-3 बच्चे कर रहे हैं। ये देखो पूरा यहाँ से चल के जाना होता है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है, ये देखो यहाँ पूरा इन्जॉय करते हुए जाना होता है। वो देखो ऊपर गई है ना, वो जिपलाइन करने उनको दिखाते हैं फिर हम भी चलेंगे। ये देखो ये आ गई है, आ गई आ गई, इस तरीके से आते हैं जिपलाइन में। ये देखो चलो हम भी करते हैं। ये देखो भी इस तरीके से हार्नेस बांधी जाती है, उसके बाद जाते हैं जिपलाइन में, तो ये बंधवा लेते हैं हम भी। भाई डर तो नहीं लगता है इसके अंदर जिपलाइन में? कोई डर नहीं है। एक भाई तो कह रहे वो कलेजा भारा जाता है, होता है ऐसा? दिल कमजोर होगा तो है, हम तो हिम्मत वाले हैं। सही बात है। ये देखो ये आ रही है यहाँ से करते हुए, ये देखो ये देखो, अरे बड़ी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इनसे पूछते हैं कैसा लगा इनको, देख के तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार करा है। कैसा लगा आपको, मजा आया? कैसा लगा? अच्छा लगा आपको, पर मेरे को डर बहुत लग रहा था। डर लग रहा था तो वही डर लग रहा था इनको, लेकिन मजा आ गया। बच्चों ने जबरदस्ती मेरे को बैठा दिया। अच्छा बच्चों ने जबरदस्ती भेज दिया। नहीं आज करोगे आप? तो भाई हम भी चल लेते हैं, हार्नेस वगैरह देखो बांध लिया है। तुम नहीं चल रहे क्या भाई? क्या हो गया? डर लगता है मुझे। डर लगता है तो भाई, भाई को डर लगता है, हम चलते हैं चलो। और कैसे हो भैया, कैसे हो? बढ़िया। और बीवी बच्चे कैसे हैं? सब मौज में। सब मौज में, तो करवा दो जिपलाइन। आ जाओ चलो भाई करते हैं। तो भाई आ चुके हैं जिपलाइन में, चलो करते हैं। तो भाई काफी मजा आ गया, वेट थोड़ा भारी है ना, तो स्पीड में आया ना बिल्कुल करना। यहाँ देखो कई सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज है, बच्चों के लिए झूले वगैरह लगाए हुए हैं, ये ऊपर नीचे होता है वो वाला एक छोटा सा झूला है, यहाँ पे लेजर वाला है, मतलब इसके अंदर विदाउट टच ना एक एस से दूसरे एस पे निकलना पड़ता है, तो ये होता है यहाँ पर, इस पर जो भाग के जाना होता है जिगजैग पर, ये पहिए वाला है, पहिए दबते हैं नीचे, भाग के आना होता है, करके दिखाएंगे अभी। बाकी ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ना कुछ लोग इन्जॉय कर रहे हैं, इनसे थोड़ा पूछ लेते हैं, पूछते हैं कैसा लग रहा है भाई इनको। ये देखो कितना छोटा सा बच्चा करके आ रहा है यहाँ पर, ये देखो ये तो बिना डरे आ रहा है भाई, हाई वाई करते हुए आ रहा है। यहाँ पे देखो भाई रॉप कोर्स में काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। कैसा लग रहा है मैम आपको? nice. मजा आ रहा है? yes. हालत खराब भी हो जाती है लेकिन थक जाते हैं इसमें। हाँ मौसम पे भी डिपेंड करता है थोड़ा। हाँ तो भाई काफी मजा आते हैं रॉप कोर्स में भी, ये देखो पूरा ये सब कुछ करते हुए जाना होता है, ये देखो पूरा, ये देखो सारे में है। ये देखो भाई छोटा सा एक बच्चा कर रहा है भाई, मजे आ रहे हैं भाई यहाँ पे? मजे आ रहे हैं। ये देखो भाई बच्चा यहाँ पे एंजॉय कर रहा है, मजे आ रहे हैं भाई? डर डर तो नहीं लग रहा इस पे? नहीं, नहीं लग रहा। तो बड्डे बड्डे है क्या बच्चे का? क्या नाम है? नाम बताओ पहले, बाद पियो पहले। नाम क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। कितना क्यूट सा बच्चा है देखो भाई, नाम बताओ। नमीश यादव? नहीं, विधान यादव। विधान यादव, मजाक कर रहे। ये देखो भाई यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं काफी लोग। हिमांशु भाई हम बस दिखा रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। अरे भाई अब हम ये करते हैं ये वाली, ये कमांडो नेट। हाँ ये वाली करते हैं, तो कमांडो नेट क्लाइंबिंग करते हैं। चलो आओ रेस लगाएं, पहले कौन करेगा? वैसे तुम ही कर पाओगे यार पहले तो। आओ भाई चलते हैं कमांडो नेट क्लाइंबिंग में, आओ चले। चलो चलो चलते हैं। चलो तरुण भैया चलो, हिमांशु भैया आप जीत जाओगे। चलो जीत गए, जीत गए। मोटे लोग हार गए, मोटे लोग हार गए। कर लोगे तुम भी, आ जाओ। देखो दोस्तों यहाँ पर काफी सारी एक्टिविटीज है भाई, ये कौन सी है? वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल है यहाँ पर, ये देखो यहाँ आप ये खेल सकते हो, ये नरेश भाई खेल रहे हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पे आर्चरी आप देख सकते हैं, अभी करेंगे पहले दिखा देता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। डार्ट्स हैं,
ये देखो डार्ट्स यहाँ पे आप कर सकते हैं, डार्ट के कंचे लग रहे हैं, तो कंचे बड़े हैं यहाँ देखो, गुलेल वगैरह है क्या, क्या है कंचे का, शायद कंचे से निशाने लगाए जाते हैं। अच्छा गुलेल ये रही, यहाँ पे गुलेल है देखो, ये रे कंचे रखे यहाँ पर, अभी लगाएंगे निशाना वहाँ आके। और क्या है, इतना ही है यहाँ पर इस साइड में तो, और निशान लगा रहे हो बोली लादी। ये देखो भाई, भाई गुलेल मार के दिखा रहे हैं, करना निशाना कैसा तुम्हारा, रह गया थोड़ा, रह गया, दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो, करो आर्चरी, आर्चरी कर रहे हैं आर्चरी, चलो भाई करो आर्चरी, लग जाएगा तुम्हारे पास, जय श्री राम बोलते लगता नहीं है, लगेगा वही लगेगा, चलो मारना बताओ, 10 पे, 10 पे नहीं 9 पे, तुम 9 दो 11 करते हो ना, ओ भाई चे पे लगा, चलो मैं ट्राई करूँ क्या। तो दोस्तों काफी मजा आया, आरसी वगैरह हमने करी, अभी यहाँ पर क्या है ना, मतलब कई स्लाइड ऐड कर दिए छोटी छोटी, वो दिखाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर नया ऐड किया गया है, स्लाइड यहाँ पे लगा दी गई है, ये देखो फैमिली स्लाइड है, यहाँ एक बॉडी स्लाइड है, एक बच्चों के लिए वहाँ लगा दी गई है, बाकी यहाँ पर रेन डांस है, बाकी पूल तो यहाँ पर है ही, तो ये चीज यहाँ पे नई ऐड कर दी गई है, बहुत बढ़िया भाई, पहले नहीं था, ये नया ऐड किया है फिलहाल ये। तो भाई ये भी माधवगढ़ फार्म हाउस के साथ साथ माधवगढ़ वाटर पार्क भी हो गया एक छोटा सा, बहुत बढ़िया है। तो अभी वहाँ पे हम आगे चल रहे, ट्रैक्टर राइड है यहाँ पे, कैमल राइड वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें, घोड़े वगैरह भी हैं यहाँ पर, बाकी अभी चल के मेहंदी वगैरह भी दिखाएंगे, मसाज वगैरह, ठीक है, जादू वगैरह, काफ़ी चीज़ें अभी दिखाना बाकी हैं, तो सब दिखाएंगे। तो अगर नींबू है यहाँ पर, कहाँ है नींबू, अरे नींबू तोड़ दिया तुमने, ये दिखाना तोड़ना, अरे वाह भाई वाह, नींबू के रेट अभी कैसे, कम है ज़्यादा है, दस के दो है, दस के दो, तो तुमने 5 रुपए तोड़ लिया है, अबे बड़े वाला है ये तो बड़ा है, 10 रुपए का एक आएगा नहीं, वो ले चलेगा, ले चलो, चलो जेब में तुम्हारी डाल दे, बताना मत किसी को, तुम्हारी जेब में डाल देते, भाई कितना बड़ा है ये वाला नींबू, ये देखो भाई कितने मोटे मोटे नींबू है, तो मौसमी है पूरा, शिकंजी बनाना रहे, छोड़ो यार, देखो भाई डक्स भी है काफी, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल है, बढ़िया, कैसी है, क्या हो गया, हो गया भाई, इतना बड़ा यहाँ पे ग्राउंड है, बैडमिंटन वगैरह यहाँ पे आप खेल सकते हैं, क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं, सब कुछ ये प्रोवाइड करवा देते हैं, बाकी सेल्फी पॉइंट कई इन्होंने बनाए हुए हैं, वो भी दिखाते हैं चल के, चलो ये देखो जीप वगैरह यहाँ पे रखी है इन्होंने, फोटो क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों अभी मैंने ले लिया यहाँ पर एक जीप, आयो दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो भाई एक जीप है, फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर आप, अरे बहुत बढ़िया गद्दी है इसकी, देखो सो जाओ यहाँ पर, तो बढ़िया भाई, तो लोग यहाँ पे करते हैं फोटो के लिए, बाकी आलसी लोग लेट भी सकते हैं यहाँ पर आकर, बढ़िया जीप बनाई हुई है। यहाँ पे देखो भाई हॉर्स वगैरह भी है, ये देखो कितना लंबा घोड़ा भाई, वो वाला देखो कितना लंबा घोड़ा है भाई, एक नंबर, ये देखो कितने लंबे लंबे घोड़े हैं, ये देखो क्या मोहिनी नाम है इसका, ये देखो भाई मोहिनी, यहाँ पर मोहिनी गुस्से में, देखो मुंह गुस्से में, ओ भाई मुंह कैसा कर रखा है, मोहिनी को हम ये नींबू खिला रहे जो हमने तोड़ा था, खिलाना खाएगी, खा ले भाई खा ले, मोहिनी खा ले, नाराज है भाई, ये तो मारेगी तो नहीं, कुछ कुछ कितनी प्यारी नाक है इसकी, वो इसकी नाक कितनी कितनी सॉफ्ट है वे, खा ले खा ले खा ले खा ले, डर भी तो लग रहा है, ले नहीं नहीं कुछ नहीं कहेगी, ले खा ले खा ले ले ले, हवा आ रही है ना गरम गरम उसके वजह से, ले खा ले खा ले खा ले, मुंह 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 हो जाएगा लेकिन खट्टा खट्टा सारा, अरे गिर गया नीचे, अब यार यहाँ पे भी काम चल रहा है, कई सारी एक्टिविटीज यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, जब सर्दी आएंगी ना भाई ढेर सारी एक्टिविटी यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो बहुत बढ़िया ये फार्म होने वाला है, लेकिन और बढ़िया होने वाला है। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर कैमल काट करने के लिए, बाकी भाई यहाँ पे क्या है ना, और भी कई चीज़ें ऐसे जो वो होता है ना, वो बुल वाला होता है जिसके ऊपर बैलेंस बनाना होता है, मिकी माउस वगैरह, ये सब चीज़ें भी हैं, जब छोटे बच्चे यहाँ पे आते हैं ना उन सब चीज़ों को भी चालू कर दिया जाता है, फिलहाल बंद है ये सब चीज़ें, क्योंकि हम तो कूदेंगे नहीं मिकी माउस में, तुम कूदोगे क्या मिकी माउस में, नहीं नहीं कूदोगे वरना करवा देते चालू। तो भाई अब यहाँ पे ये कर लेते हैं भाई कैमल काट, क्या कर रहा है ये, टांग फैला रखी है। तो भाई और भी कई लोग आ गए यहाँ पर ये कैमल काट करने के लिए, आइए करते हैं, ये रहा देखो अपना कैमल, एक्साइटेड हो भाई, मैं बैठ भी गया देखो, लात वात ना मार दे, इस साइड को जाओ थोड़ा, अरे नहीं यहां तक किया भाई, ये क्या गोली गोली सी क्या पड़ी है, ये पोटी है। दोस्तों आ चुके हैं अपने कैमल काट में, देखते कितना मजा आने वाला है, काफी सारे लोग और आ चुके हैं यहाँ देखो, तो करते हैं कैमल काट अब। तो भाई चालू हो गया अपना ऊंट, अरे बड़ी तेज चल रहा है, तो घोड़ा भी आ गया, ये देखो यहाँ पे घोड़े भी आ गए देखने के लिए, तो क्या हो रहा है, मजा आ रहा है, तो भाई सबको बहुत मजा आ रहा है, तो भाई काफी मजा आ रहा है इसके अंदर, बिल्कुल देसी मतलब देहाती वाली फीलिंग आ रही है।
अच्छा लग रहा गांव में नहीं आ गए गांव में आ गए जैसे बेल भी वैसी है वहाँ। हाँ सावन का महीना अभी है सावन का महीना पवन करे सो है। मजा आ रहा भाई ये देखो ये चल रहा अपना ऊंट ले हाथ एक और करना पीछे बस बस ये देखो अभी अपना ऊंट आ गया। तो भाई कैमल काट तो हो गया काफी मजा आ गया और देखते हैं और क्या क्या करने को मिलता है। इस तरीके से बनाया हुआ है मान लो आपको बैठना हो आराम से खाना पीना हो या बैठ के तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो वार्तालाप करनी हो आपको बैठ के तो उसके लिए है। यहाँ क्यों आ गए भाई प्यास लग गई क्या? प्यास लग रही है पानी पी लिया उसके बाद देखेंगे बाकी और क्या क्या है। ठंडा ठंडा पानी। ये वाला एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे डीजे लगा हुआ है पार्टी वगैरह करनी हो ना तो यहाँ पे डांस वगैरह आप कर सकते हो। वहाँ पे देखो प्रोग्राम चल रहे हैं कल्चर प्रोग्राम। यहाँ पे देखो पोएट्री मेकिंग है पोएट्री बनाई जा रही है यहाँ पर। ये दिए वगैरह जो होते हैं ना घड़े वगैरह वो बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। ये देखो क्या बना रहे हो मटका मटका बना रहे हैं देखो यहाँ पे भैया। कुल्लड़ वगैरह बनवा के लेके जा सकते हैं आपसे तो भाई कुल्लड़ वगैरह मटके वगैरह बना के लेके जा सकते हो यहाँ से आप छोटे छोटे कुल्लड़ वगैरह मटके वगैरह। अभी एक भैया लेकर गया मटका बाकी यहाँ पर मैजिक शो होता है। ये भैया बैठे यहाँ पे जादू और भैया तो भैया के पास देखो वहाँ सामान रखा है सांप वगैरह भी है वहाँ पर तो भैया दिखाओगे मैजिक? तो भैया मैजिक दिखाने के लिए बैठे यहाँ पर। बाकी बर्थडे पार्टी वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हो इन्जॉय। लूडो वगैरह चेस वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ पे भाई। ये देखो काफी इंजॉय कर रहे हैं लोग। देखिए सर आपने जादू बहुत देखा पर राजस्थान की कला नहीं देखी। देखिए मालिक साहब जादू में समझना है कला एक्सटेंड से। देखिए सर मैं खेल नहीं करता मेरा जादू वाला छड़ी देख खेल करता। देखिए सर इसमें कितनी करामात है पहली करामात कौन सी है सर देखना कितना कॉइन है मैडम ये वन कॉइन है इसमें हम भूखी बोल रहे हैं वो थूकना चालू कर रहे हैं। नहीं मालिक साहब कल ये सलाह थूक दिया था तुम मत थूक देना मैडम लाइए दीजिए कॉइन। देखिए सर वन कॉइन देखिए टू कॉइन बनेगा चलो वन टू दी धंडारा कर दिया थोड़ा मटी लगाया खींच के दो बनेगा चेटा नहीं की चंगाई पेट में डाल दिया पेट में डाल मैडम दोनों हाथ ऐसा हैंड करो अरे वाह कहाँ से निकाल दिया बहुत बढ़िया भाई। देखिए सर एक जादू बता दूंगा वन टू थ्री मैडम के साथ में। मैडम आप कौन सा फ्लावर पसंद करते हैं फ्लावर कौन सा पसंद करते हैं रोज जाइए मैडम के लिए लेकर आइए मैडम ऐसा हैंड करो जाइए मैडम के लिए यहाँ से नहीं जयपुर से लेकर आइए वन टू थ्री मैडम मसाज करो मैडम फील करके देखो सुन के देखो मैडम फील करके दिखाइए सही लो से जी इधर देखिए सर। देखिए सर इन्हें मैंने देखिए सर इन्हें मैंने जयपुर में पढ़ा था कहाँ पढ़ा था बाकी यहाँ पर आप सामने देख रहे हो ना यहाँ पे आप मेहंदी भी लगवा सकते हैं। ये देखो मेहंदी लिखा है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? नेहा। तो भाई नेहा जी हैं यहाँ पर ये मेहंदी लगाती हैं यहाँ पर। ये देखो कोई सा भी डिजाइन लगा देते हो क्या क्या कह रहे हो? तो भाई काफी इनको डिजाइन आते हैं वहाँ पे। देखो ये डांस वगैरह कर रहे हैं ना शोर हो रहा है इसलिए। तो भाई यहाँ पे ट्रम्पिन वगैरह भी है देखो छोटे छोटे बच्चे कूद रहे हैं। बाकी और भी कई चीज़ें बच्चों के लिए जैसा कि मैंने बताया था आपको। बाकी यहाँ पे क्रिकेट बैडमिंटन ये सब भी आप खेल सकते हैं कई गेम्स इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स काफ़ी हैं। ये देखो यहाँ पे खेल रहे हैं बैडमिंटन। चलो मैं भी खेल लेता हूँ थोड़ा सा। अरे मैच लगाते हैं मैच लगाते हैं मैच लगाए मैच मैच लगाते हैं। चलो भाई वीडियो रखते हैं थोड़ा इन्जॉय करते हैं अब हम। खेलो 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 अरे आउट 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 एक ही बार में आउट हो गए तुम तो।
तो भाई काफ़ी ही ज़्यादा मज़ा आ गया भाई बैडमिंटन खेलने में। तो बचपन के बाद शायद आज ही खेला होगा, पसीना काफ़ी आ गया, मज़ा भी काफ़ी आ गया। 7:30 बज चुके हैं, डिनर का टाइम है, अब चल के डिनर वगैरह करते हैं और दिखाते हैं क्या क्या है डिनर में, टेस्ट भी बताएंगे कैसा है। क्या हो गया भाई, ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं भाई कूलर के आगे बैठ के, मैं भी खाता हूँ। तो भाई अब खाना खाने के लिए चले, डिनर का टाइम हो गया, 7:30 बज चुके हैं, खाना लग गया होगा। ये देखो यहाँ पर डीजे के पास यहाँ पर डिस्को लाइट चल रही है, अभी यहाँ पर लाइटिंग भी हो जाएगी, थोड़ी देर में लाइट चल जाती है ना तो और अच्छा लगता है ये रात में। बाकी अगर वो होता है ना, मतलब जो फुल मून लाइट होती ना, वो पूर्णिमा होती ना, तो और अच्छा लगता है, सामने वहाँ पे सूर्य वो दिखाई देता चांद। ये देखो भाई नान तैयार किए जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं डाइनिंग हॉल 2 के अंदर, भाई हमको डिनर मिलेगा। आइए चल के देखते हैं क्या क्या है डिनर में। अब ये देखो ये लगा अपना डिनर, यहाँ मिस्सी रोटी और नान हमें दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ पे बाजरे की कौन से आटे की रोटी है, मतलब बाजरे की ही है, बाजरे की रोटी, उसके बाद मक्खन है यहाँ पर भाई, ये क्या चटनी वगैरह है कुछ, अच्छा पीनट बटर है, ये पीनट बटर है। बाकी यहाँ पे रायता है खीर है। बाकी ये वो है क्या बोलते हैं इसको, तो भाई क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ इसको, पुए हमारे यहाँ कहते हैं गुलगुले गुलगुले हाँ। तो भाई हिमांशु भाई क्या कहते हैं गुलगुले, हमारे यहाँ कहते हैं पुहे बोलते, क्या बोलते हैं भूल गया यार, पुहे ही बोलते हैं शायद। बाकी ये रायता है, यहाँ पे आलू की सब्जी है, ये पनीर की सब्जी है, साग की सब्जी है, यहाँ पे खिचड़ी वगैरह है, कढ़ी है, छोले हैं, दाल है, चावल है, और क्या यहाँ पे सलाद है, बाकी यहाँ पे ये प्लेट वगैरह रखी हैं। तो यहाँ पूरे में लगा है डिनर, बाकी ये पूरा डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, सिटिंग अरेंजमेंट है, डाइनिंग टेबल, बाकी ये देखो पूरा इस तरीके से बनाया है, वहाँ देखो पूरा एनिमेट हो रहा है जो मतलब यहाँ पे होता है, देखो बच्चे वहाँ इन्जॉय कर रहे, दिखाऊंगा पास से भी जाके। तो आ गया भाई अपना खाना यहाँ पर, ये हिमांशु भाई का है, ये मेरा है, तो चलिए खाते, मैंने लिए मिस्सी रोटी, बाजरे की रोटी और एक नान, बाकी चावल वगैरह ये सब लिया है और ले लेंगे बाद में। ये देखो ये पूरा माधवगढ़ यहाँ स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, चार्जिंग के लिए बनाया ये भैया, चार्जिंग के लिए ना, ये देखो भाई चार्जिंग के लिए है यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखो मिकी माउस वगैरह इसमें दिखा रहे हैं, जब बच्चे होते हैं तब ये सब चला देते हैं। दोस्तों खाना खा लिया है, काफ़ी टेस्टी था खाना, तो फिलहाल निकल रहे हैं हम यहाँ से, 8:30 बज चुके हैं रात के, और देखो किस तरीके से लग रहा है भाई सुनसान सा बिल्कुल, जो मेरे साथ आए हैं दो लोग वो आगे निकल गए, हिमांशु भाई और नरेश भाई, भाई कैसा लग रहा है, तो अकेले वहाँ तक जाना है मुझे इतना दूर तक। तो भाई देखो इतना अंधेरा हो रखा है, यहाँ से निकल रहा हूँ फिलहाल भी मैं अकेले, भाई डर और लग रहा है यहाँ पर तो मेरे को यार, आगे जाता हूँ जल्दी से पहले, डर लग रहा है यार। तो भाई ये देखो माधवगढ़ से बाहर आ गए, किस तरीके से लग रहा है पूरा, वो पहाड़ी चमक रही है, देखो रियल में तो बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, ये तो फ़ोन का कमाल है भाई कि रोशनी दिखा रहा है, ये हकीकत में यहाँ पर रोशनी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। ये देखो पहाड़े आपको दिख रही है ना, हमें नहीं दिख रही है, फ़ोन के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये रहा अपना माधवगढ़ यहाँ पर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, सारी जानकारी यहाँ की मिली होगी, सारी एक्टिविटीज़ मैंने दिखाई, सारा फूड वगैरह दिखाया, और बाकी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने बताया भी कि बच्चे वगैरह यहाँ पे जब आते तब उन चालू करते हैं एक्टिविटी को, मिकी माउस वगैरह हो गया, ट्रम्पलिन वगैरह हो गया, बुल राइड वगैरह हो गया, ये सब बाद में लगाई जाती हैं। तो उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ पूछना है कमेंट में आके पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, DM करके पूछ सकते हो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब करें चैनल, पहली बार आए थे तो अपने घर परिवार में अपने पार्टनर के साथ शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखिए, आपसे अपना जय हिंद, वंदे मातरम।